हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कानबान और स्क्रम के बारे में। लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में कानबान को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट गेट स्टार्टेड। कानबान एक इन्वेंट्री कंट्रोलिंग सिस्टम है जो कि इन्वेंट्री को विजुअलाइज करता है। जैसा कि आप जानते हो कि लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, कानबान को इंप्लीमेंट करना जस्ट इन टाइम मेथड की इफिशियंसी को इंक्रीज करने जैसा है। कानबान का ओरिजिन टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में हुआ था और कानबान का इन्वेंशन ताइची ओहनो ने किया था। 15 साल के सुपरमार्केट के एक्सपीरियंस और टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में होने वाले इन्वेंट्री प्रेडिक्शन को कंट्रोल करने के लिए ताइची ओहनो ने कानबान सिस्टम को इन्वेंट किया। तो यहाँ पर मैं कानबान के कई टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर मैं पुश प्रोडक्शन सिस्टम और पुल प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम कानबान की इफेक्टिवनेस को एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि पुश प्रोडक्शन सिस्टम में मटेरियल को कस्टमर की तरफ फ्लो किया जाता है थ्रू द बैकवर्ड प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि कस्टमर की तरफ हम फिनिश प्रोडक्ट को पुश करते हैं, यानी कि पहले प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद हम कस्टमर की डिमांड को इंक्रीज कराते हैं। वहीं पुल प्रोडक्शन सिस्टम, कस्टमर डिमांड के हिसाब से हम मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग शेड्यूल को सप्लायर एंड से प्रोजेक्ट करते हैं और उस डिमांड को कस्टमर एंड की तरफ पुल करते हैं, यानी कि कस्टमर एंड से एडवांस शेड्यूल्स को लेकर हम अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। पुल प्रोडक्शन सिस्टम में हमें इन्वेंट्री पर खर्चा कम करना पड़ता है क्योंकि हम कस्टमर डिमांड के हिसाब से अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि पुश और पुल प्रोडक्शन सिस्टम में कौन सा प्रोडक्शन सिस्टम इफेक्टिव है। दोनों ही प्रोडक्शन सिस्टम इफेक्टिव हैं, बट दोनों ही प्रोडक्शन सिस्टम का यूटिलाइजेशन अलग अलग। पुश प्रोडक्शन सिस्टम का यूज हम उन प्रोडक्ट्स में करते हैं जिन्हें हमें कस्टमर एंड पर प्रोजेक्ट करना होता है, यानी कि पहले हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं और उसे कस्टमर एंड पर प्रोजेक्ट करते हैं। वहीं पुल प्रोडक्शन सिस्टम, पहले से डेवलप्ड प्रोडक्ट को कस्टमर डिमांड के हिसाब से आगे प्रोजेक्ट करना, ये पुल प्रोडक्शन सिस्टम कहता है। पुल प्रोडक्शन सिस्टम में हमें बेनिफिट ये मिलता है कि हमें इन्वेंट्री को कम से कम क्वांटिटी में रखना होता है। अब हम बात करते हैं कि कानबान पुल प्रोडक्शन सिस्टम में किस तरह से वर्क करता है। कानबान एक सिग्नल है जो कि हमें ये बताता है कि कितनी क्वांटिटी हमें डिमांड के हिसाब से आगे प्रोजेक्ट करनी है। प्रोसेस को फास्ट मूविंग बनाने के लिए हम कानबान सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं। कानबान मेनली तीन टाइप के होते हैं जो कि सबसे ज्यादा यूटिलाइज किए जा रहे हैं। फर्स्ट है कानबान कार्ड सिस्टम, सेकेंड कानबान बिन सिस्टम, थर्ड ई कानबान सिस्टम। इन तीनों ही सिस्टम का यूटिलाइजेशन हम अलग अलग इंडस्ट्रीज में करते हैं, यानी कि जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं जिनके यहाँ प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम होती है वहाँ पर हम कानबान कार्ड यूज करते हैं। दूसरा, जहाँ पर प्रोडक्ट की क्वांटिटी छोटी होती है और क्वांटिटी को काउंट करना एक बड़ा टास्क होता है, जहाँ पर हम बिन सिस्टम यूज करते हैं, यानी कि छोटे प्रोडक्ट के लिए हम बिन को एक नंबर देते हैं जिसमें हमें उस प्रोडक्ट की डिटेल दी जाती है, मैन्युफैक्चरर है, कहाँ पर यूज करना है और क्या क्वांटिटी है। तीसरा है ई कानबान सिस्टम। ई कानबान सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है जिसमें हम जो भी प्रोडक्ट है उसको एक बैच नंबर देते हैं और जिस बैच नंबर को बार कोडिंग के थ्रू ईआरपी सिस्टम में सिंक्रोनाइज करते हैं, जिससे हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी लोकेशन कहां पर है। इन तीनों ही सिस्टम का यूटिलाइजेशन अलग अलग इंडस्ट्रीज की डिमांड के हिसाब से किया जाता है। तो यहां पर मैं कानबान के दो मेजर सिस्टम बताता हूं। तो यहां पर मैं कानबान को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। कानबान को कैलकुलेट करने के लिए हम कानबान कैलकुलेशन फॉर्मूला यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको कानबान की क्वांटिटी को निकालना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेली डिमांड क्या है आपकी, उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है उसका लीड टाइम क्या है, लीड टाइम आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कोई भी एक कंटेनर है उसकी क्वांटिटी क्या है, उसके अलावा आपका सेफ्टी फैक्टर क्या है। ये सारी टर्म्स को मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअल में होता क्या है। डेली डिमांड क्या है, आपको कानबान क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने कस्टमर की डेली डिमांड के बारे में पता होना चाहिए। ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए और इन सम केसेस आप इसे 90-95% करेक्ट मान के चलेंगे। सेकंड है आपकी लीड टाइम।
आपको अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जितना टाइम लगता है वो वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में पुट करनी होगी। और तीसरा है सेफ्टी फैक्टर। अगर आपको अपने प्रोडक्ट की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको ये सेफ्टी फैक्टर डालना होगा, यानी कि अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आपको सेफ्टी फैक्टर 1 रखना होगा, जिससे आप एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि हमें 0 फेलियर चाहिए तो आप इस फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हो, यानी कि आप सेफ्टी फैक्टर को जितना इंक्रीज करोगे आपका फेलियर का चांसेस उतना ही कम होता जाएगा। तो इस फैक्टर को आप 1 से ज्यादा दे सकते हो। बट ध्यान हमेशा ये रखना है कि सेफ्टी फैक्टर अगर आपने ज्यादा कर दिया तो आपको स्टॉक होल्डिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आपके पास एक्स्ट्रा स्टॉक स्टोर हो जाएगा। इसलिए आपको इसे एग्जैक्ट रखना है, जिससे आपको कानबान की क्वांटिटी पता चल जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। अगर आपको 1 महीने का कानबान क्वांटिटी कैलकुलेट करना है तो आपका जो लीड टाइम है वो 5 डेज है और कंटेनर क्वांटिटी है 50। तो सेफ्टी फैक्टर अगर आप 1 लेके चलते हो तो आपको क्वांटिटी निकालनी है कानबान की, तो फिर देखिए आप 30 यानी कि डेली डिमांड जो है 30 है और 5 डेज आपका लीड टाइम है अपॉन 50, तो ये हो जाएगा 150 / 50 = 3 कानबान, यानी 3 कानबान सिस्टम आपको यूज करना है। अब मैं आपको बताता हूँ 3 कानबान सिस्टम क्या होता है। 3 कानबान सिस्टम जो होता है, यहाँ पर आपको सप्लायर, स्टोर और प्रोसेस, इन तीनों ही प्लेसेस पर कानबान को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। 2 कानबान सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आपको स्टॉक को होल्ड करने की जरूरत नहीं है। जब आपका स्टॉक ज्यादा होता है, क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो आपको स्टोर करने की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो ये हमारा कानबान कैलकुलेट करने का एक सिंपल मेथड है जिससे हम कानबान को कैलकुलेट करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।